हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन प्लांट साइंस वर्ल्ड। सो राइट नाउ इट्स टाइम फॉर द डिस्कशन ऑफ एमसीक्यू ऑफ टेरिडोफाइट्स विच प्रोवाइडेड बाय मी अर्लियर। सो उसके सॉल्यूशन का टाइम है। सो आप भी आंसर्स लगा चुके होंगे, मिलाते चलिए कि कितने आपके आंसर्स सही हैं और कितने गलत। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज Which algae group is called vascular cryptogams? देखिए, cryptogams होते हैं non flowering plant और phanerogams होते हैं flowering plant। तो vascular पूछा है, vascular system आपका arise होता है, bryophyte में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन mainly that arise from pteridophytes। So the option is D, pteridophytes। स्नेक ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का स्नेक किसे कहते हैं? द ऑप्शन इज सी, अगेन ऑप्शन टेरिडोफाइट। वेसल्स आर प्रेजेंट इन जाइलम ऑफ, वेसल्स आर प्रेजेंट इन थर्ड का डी, बोथ, इन दोनों में होता है, सिलेजिनेला में भी और इक्विजिटम में भी। नाउ द नेक्स्ट वन, मेंबर्स ऑफ टेरिडोफाइट्स आर बोथ, ये आपको पता है, होमोस्पोरस भी होते हैं, हेट्रोस्पोरस भी होते हैं। इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, होमोस्पोरस में आपका डेल होता है, ड्रायोप्टेरिस, इक्विजिटम, लाइकोपोडियम, हेट्रोस्पोरी में आपका सैम होता है, सिलेजिनेला, एजोला, मार्सिलिया। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेट्रोस्पोरस, सिलेजिनेला तो है, एजोला भी है, एंड साल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस और होमोस्पोरस, साल्विनिया, 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 यस, सिलेजिनेला भी है, साल्विनिया भी है, जोला भी है, यानी ऑल ऑफ द अबव। द फर्स्ट प्लांट अपीयर ड्यूरिंग डिवोनियन, सीड प्लांट, सीड प्लांट डिवोनियन पीरियड में आया। केमिटेंजिया ऑफ फर्न आर प्रोड्यूस्ड ऑन, सातवें का ए, प्रोथैलस। ठीक है, हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन, हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन, यहाँ पे ऑप्शन सिलेजिनेला, क्योंकि बाकी होमोस्पोरस है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन डेहिसेंस ऑफ फर्न स्पोरेंजियम, दैट इज ए, एनोलस। इफ अ स्पोरेंजियम डेवलप्स फ्रॉम ग्रुप ऑफ सेल्स इट इज कॉल्ड यू स्पोरेंजिएट टाइप। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सेंट्रल पिथ, प्रोटोस्टील, जैसे डिवाइड करते हैं ना प्रोटोस्टील और साइफनो में आपका पिथ होता है, लेकिन प्रोटोस्टील में अभी पिथ विथ की कोई बात नहीं होती, सिर्फ जाइलम फ्लोएम रहता है। टेरिडोफाइट्स आर यूज फॉर ऑल ऑफ दीज, सभी हैं, फोर्थ ऑप्शन। द फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट पजेस वेस्कुलर टिश्यूज आर, आ तो गया था ब्रायोफाइट से, लेकिन प्रॉपर तरीके से टेरिडोफाइट से आया, इसलिए ऑप्शन सी होगा। टेरिडोफाइट्स स्पोरोफिल्स आर बॉर्न ऑन, द ऑप्शन इज डी, स्पोरेंजिया। Which of the following is not a class of pteridophytes? Pteridophytes का classification पढ़िए, Bryopsida is the class of bryophyte, not pteridophyte. The option is D. In which of the following sporophyll does not form distinct compact structure called strobili or cones? The 16th का option is equisetum. इसमें कुछ modification हो जाता है stem में. Pteridophytes and bryophytes are differ in having conducting system. Common characteristics between pteridophytes and bryophytes, that is C, water for fertilization, दोनों को चाहिए। In which of the following groups would you place a plant that produces spore lack seed has vascular system? Again pteridophytes, C. The brown hair present at the base of pteris, 20वें का आपका है B, rementa. Pteridophytes are B, generally herb, rarely climber and tree. Pteridophytes are characterized by presence of all D,
सेक्स ऑर्गन्स इन टेरिडोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर होते हैं, नॉन जैकेटेड होते हैं, जैकेटेड आपके ब्रायोफाइट्स में होते हैं, स्टराइल जैकेट लेयर होती है। नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन आर्चिगोनियम ऑफ टेरिडोफाइट्स इन सी, द टर्म स्टील फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई, 25वें का टर्म स्टील, एक मिनट, टर्म स्टील मॉन्टेगम एंड डूलियट ही है, एक बार और चेक कर लीजिएगा आपसे। प्रोटो स्टील विथ पिथ मेड्यूलेटेड जो होती है उसको साइफनो स्टील ए, ठीक है। हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स ऑलवेज प्रोड्यूस डायोशियस, दो मेगा और नेक्स्ट, मेगा स्पोरोफिल्स ऑफ टेरिडोफाइट्स वॉज कंपेरेबल टू विच स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्म, दैट इज कार्पेल। हेटरोस्पोरीज प्रोडक्शन ऑफ बी स्मॉल एंड लार्ज स्पोर्स। फर्स्ट फॉसिल टेरिडोफाइट डेवलप्ड बाय सर विलियम डेविसन, फॉसिल पीस का, सी साइलोफाइटॉन विच इज नॉट अ फॉसिल टेरिडोफाइट, 31 का सी साइलोफाइटॉन। अ रूटलेस लीफलेस राइनिया वॉज डिस्कवर्ड बाई, 32 का सी किट्सन एंड लैंग। टीलोम थ्योरी वॉज पुट फॉरवर्ड बाई जिमरमैन, ये दी है टीलोम थ्योरी भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपलेस्ट से मॉडर्न कॉम्प्लेक्स टेरिडोफाइट वॉज एक्सप्लेन बाई टीलोम थ्योरी, सी। हाइएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम इज ऑब्जर्व इन सी ऑफ योर ब्लॉसम, हॉर्स टेल 36, हॉर्स टेल हम कहते हैं इक्विजिटम को। वॉकिंग फर्न एडियंटम 38, फर्न स्टील इज नन ऑफ दीज। 39, विच इज रूटलेस फर्न, 39 का टेरिस, ठीक है। 40, डल लेक कश्मीर में क्या मिलता है, सी साल्विनिया। जीरोफिटिक फर्न, जीरोफिटिक इसमें है वुडसिया इलोंगेट। स्मॉलेस्ट फर्न, नन ऑफ दीज। टॉलेस्ट टेरिडोफाइट साइथिया बी। हेट्रोस्पोरी एंड बेस्ट एविडेंस, देखिए हेट्रोस्पोरी का देख के आप लोग सीधे सिलाजिनेला लगाएंगे, लेकिन बेस्ट जब पूछा और ऑप्शन में मार्सिलिया हो तो जस्ट टिक द मार्सिलिया, बेस्ट एविडेंस इन मार्सिलिया। रीसरेक्शन प्लांट सिलेजिनेला को कहते हैं, सिलेजिनेला लेपिडोफिला अगर ऑप्शन में है तो उसे लगाइए। सिलेजिनेला हैज डिमॉर्फिक आइसोमॉर्फिक वो थे, एंड बी सिलेजिनेला माइक्रोस्पोरोफिल मेगास्पोरोफिल, डाइमॉर्फिक लीव्स होनी चाहिए, डाइमॉर्फिक ए लगाइए, एक बार चेक कर लीजिएगा इसे। आउटग्रोथ फ्रॉम बेस्ट ऑफ इन सिलेजिनेला स्टिप्यूल लिग्यूल वो थे, एंड बी सी इमेच्योर हैविंग प्रोमिनेंट बेसल पोर्शन, प्रोमिनेंट बेसल पोर्शन 48 का बी राइजोफोरा। अ मॉडिफाइड प्रोटो स्टील विथ सेंट्रल पिथ इज नोन एज साइफनो स्टील, साइफनो स्टील विथ नॉन ओवरलैपिंग लीफ गैप्स डिक्टियो स्टील। एक्टिनो स्टील इज फाउंड इन, द ऑप्शन इज सी एल सिरेटम। स्टील इंक्लूड, ध्यान से पढ़िएगा, कुछ लोग वैस्कुलर बंडल पिथ लगा देते हैं, लेकिन ऑप्शन देखिए द बी, अगर पेरिसाइकिल लिखा है तो उसको लगाइए, पेरिसाइकिल वैस्कुलर बंडल एंड पिथ। एम्फीफ्लोइक साइफेनो स्टील इज फाउंड इन,
एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील इज फाउंड इन मार्सीलिया. पॉलीस्टिलिक कंडीशन इज फाउंड इन, पॉलीस्टिलिक आपका सिलेजिनेला. थोड़े से ये क्वेश्चन स्टीलर सिस्टम से हैं, हो सकता है थोड़े कठिन पढ़ रहे हो, लेकिन इन्हें आप पढ़िएगा. हेट्रोस्पोरी इज फाउंड इन 55, मार्सिलिया लगा दीजिए, मार्सिलिया है ना ऑप्शन. ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लब मॉस, 56, लाइकोपोडियम इज क्लब मॉस. इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इलेटर्स आर प्रेजेंट, 57, इक्विजिटम में आपका इलेटर्स पाया जाता है. इन टेरिडोफाइट्स फ्लोएम इज विदाउट कंपेनियन सेल, स्टार लाइक किसमें पाया जाता है, एक्टिनो स्टील ना, 59 का बी, स्टार लाइक एक्टिनो स्टील. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड, द डी सोरोप्सिडा. ओके, सो ये मेरे अकॉर्डिंग टू मी ये मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है. फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई आंसर आपको डाउटफुल लगता है कि नहीं ये होगा, देन प्लीज कमेंट और मैं उसको एक बार फिर से क्रॉस चेक और वेरीफाई करूंगी. कभी कल स्टूडेंट ज़्यादा पढ़ते हैं और वो बहुत सारी गलतियाँ पकड़ लेते हैं, सो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि अगर मैंने कहीं गलत किया है तो आप उसे पकड़िए, अप्रोच करिए और मुझे कमेंट करिए, क्योंकि आप भी मुझे करेक्ट कर सकते हैं. ये एक पैरेलल लर्निंग प्रोसेस है और लंबा टाइम हो गया था क्वेश्चन डाले हुए, आंसर्स देने ज़रूरी थे, क्योंकि सारे बच्चे सही आंसर्स लगाए हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. और मैंने मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश की है कि आंसर सही रहे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सही करना टारगेट होना चाहिए. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. थैंक यू ऑल.